बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 1 का हम लोग तीसरा पाठ पुनरावृत्ति किए थे और उसकी व्याख्या हुई थी और आज उसके अभ्यास प्रश्न को करेंगे। तो इस पाठ में जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है वो है कहानी से शीर्षक के अंतर्गत। कहानी से यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया हुआ है इसमें है कि अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। तो बाल मन जिज्ञासाओं से भरा होता है। उन्होंने पहले कभी अंडे नहीं देखे थे। उनके घर वालों ने भी उनको अंडों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी और उनको पता नहीं था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है। और उनको जो है वो आपस में ही सवाल जवाब करके अपने आप को तसल्ली दे लिया करते थे। उत्तर 1 हम लोग यहाँ पे करेंगे। केशव और श्यामा के मन में कई सवाल उठते थे। कि अंडे कितने बड़े होंगे, अंडे किस रंग के होंगे, उनमें बच्चे कैसे पैदा होंगे, किस रंग के होंगे, उनमें से बच्चे कैसे पैदा होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकलेंगे और कितने होंगे, क्या खाते होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, कितने होंगे और क्या खाते होंगे। उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला
कोई नहीं था। बाबूजी को उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उनके बाबूजी को दफ्तर के काम से फुर्सत नहीं थी। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। इसलिए वे आपस में ही सवाल जवाब कर दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। इसलिए वे आपस में ही सवाल जवाब कर करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे, तसल्ली दे दिया करते थे। आपस में ही वो दोनों बात करके सवाल जवाब कर लेते थे। तो इस तरह से उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, ना अम्मा जी को फुर्सत थी घर के काम से और ना बाबूजी को फुर्सत थी अपनी पढ़ाई लिखाई से, ऑफिस के काम से। तो ये था पहला प्रश्न। और अब यहाँ पर इसमें जो मुख्य है वो ये है कि उनके मन में सवाल यही उठते थे, और उनके पर कैसे होंगे, किस रंग के होंगे, ये और भी इसमें प्रश्न है कि उनके पंख किस रंग के होंगे। केशव ने, अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो हम लोग करेंगे वो है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे। तो कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे, तो उन्होंने सोचा कि अब उसमें से बच्चे निकल आए होंगे, तो उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनाना था और चिथड़ों से गद्दी बनानी थी और जो प्याली थी उसमें पानी रखना था, दाना पानी मंगाकर भूख मिटाने के लिए जो है उसके लिए दाने पानी का इंतजाम करना था। तो अब यहाँ पर हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे। केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे। तो उत्तर दो हम लोग करेंगे यहाँ पे। कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे, कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे, केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से
बच्चे निकल आए होंगे। उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनाना था। इसलिए टोकरी मंगाई। इसलिए टोकरी मंगाई। चिथड़ों से उनके लिए गद्दी बनाई और भूख मिटाने के लिए चिथड़ों से उनके लिए गद्दी बनाई। चिथड़ों से उनके लिए गद्दी बनाई। प्याली में खाने के लिए दाना और पानी रखा और भूख मिटाने के लिए दाना भूख मिटाने के लिए दाना और पानी रखने के लिए प्याली मंगाई और पानी के लिए प्याली मंगाई। पीने के लिए पानी के लिए प्याली रखा और भूख मिटाने के लिए दाना और पानी के लिए प्याली रखा। तो इस तरह से उन्होंने जो है चिथड़े टोकरी और दाना पानी मंगाकर उस चिड़िया की भूख प्यास शांत करने के लिए और उसे धूप से बचाने के लिए उन्होंने ये सब चीज़ें मंगाया। और अब यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है वो है कि केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा किया नादानी। तो केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। बच्चे ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया था। उन्हें नहीं मालूम था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें नहीं सेती। वास्तव में वे तो उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे लेकिन नादानी में रक्षा में हत्या हो गई। तो केशव और श्यामा ने अपनी ओर से उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। ये अब यहाँ हम नंबर 3 डालेंगे प्रश्न का। उत्तर 3, केशव और श्यामा ने केशव और
श्यामा ने अंडों की रक्षा करनी चाहिए। अंडों की रक्षा करनी चाहिए। पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। उन्हें नहीं मालूम था कि उन्हें नहीं मालूम था यह अंडों को छूने से चिड़िया उन्हें नहीं सेती। तो इस तरह से ये उनकी नादानी सिद्ध हुई, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि अंडों को छूने से चिड़िया उन्हें नहीं सेती, और इसलिए जो है वो नादानी में जो है उनके अंडे टूट गए। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे कहानी से आगे। अब हम लोग कहानी से आगे का पहला प्रश्न करेंगे, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए, यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते। तो ये प्रश्न है कहानी से आगे का। तो यहाँ पर शीर्षक डालेंगे कहानी से आगे। और उत्तर एक हम लोग यहाँ पे करेंगे, इस प्रश्न के उत्तर के लिए ये उत्तर एक जो है वो सभी छात्र स्वयं से करेंगे, क्योंकि इसमें सबका अलग अलग उत्तर हो सकता है। और जैसे कि केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अब उन अंडों से बच्चे निकल आए होंगे, चिड़िया इतना कहाँ से लाएगी, दाना कहाँ से लाएगी, गरीब बच्चे इस तरह चू चू करके मर जाएंगे, उन्हें धूप से भी कष्ट होगा। तो यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते तो हम भी अनुमान लगाते कि कोई जानवर या जीव जंतु को जंतु तो अंडों तक नहीं पहुंच जाएगा, कार्निश तक कोई जानवर न पहुंचे, मैं इसका प्रयास करता। हम अंडों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, चिड़ियों के लिए दाना हम कार्निश पर रखने की जगह नीचे ज़मीन पर बिखेर देते। तो जिन बच्चों को पता होता कि अगर चिड़िया के अंडों को छू दिया जाए तो वो उन्हें नहीं सेती है, तो वो कभी भी उन अंडों को नहीं छुएंगे। लेकिन जिनको नहीं पता होगा कि ऐसा करने से चिड़िया उन अंडों को गिरा देती है, सेती नहीं है, उसके बच्चे जो है नहीं जन्म ले पाते हैं, तो जिसे पता रहेगा वो जो है उसकी रक्षा करेगा और वो ऐसा कभी नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं कि माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। तो ये हम लोग करेंगे और पहला प्रश्न सभी छात्र खुद से लिखेंगे। तो उत्तर दो से हम लोग शुरू करते हैं कि क्योंकि वही समय ऐसा था जब वे बाहर आकर
ऐसा था जब वे बाहर आकर चुपचाप चिड़िया के बच्चे को चुपचाप चिड़िया के बच्चे को देख सकते थे देख सकते थे। माँ उनको देख लेती तो अंडों को हाथ न लगाने देती। माँ उनको देख लेती तो अंडों को हाथ न लगाने देती अंडों को हाथ न लगाने देती। हाँ, तो अब जो है माँ के पूछने पर पिटाई के डर से पिटाई के डर से दोनों में से किसी ने बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। और अब इस प्रश्न के बाद जो अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, आप इसे क्या शीर्षक देना चाहेंगे? तो सभी बच्चे इसे अपने से करेंगे, इसमें बच्चों की नादानी या रक्षा में जो है चिड़िया के अंडों की जान गई, तो इस पर आधारित पाठ पर आधारित जो है शीर्षक बच्चे खुद से तैयार करेंगे। अब इसके आगे जो प्रश्न दिया हुआ है वो है अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न है कि इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है, अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। तो ये प्रश्न भी बच्चे खुद से करेंगे, क्योंकि इसमें जो है अगर अभी तो गर्मी के दिन की बात हो रही थी और इसीलिए जो है केशव और श्यामा उन अंडों को धूप से बचाने का प्रयास कर रहे थे, अगर जाड़े का दिन होता तो धूप से बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी आधार पर सभी बच्चे इसका उत्तर लिखेंगे मौसम के आधार पर कि अगर सर्दी के दिन होते तो बच्चे अंडों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करते, गर्मी से बचाने का प्रयास नहीं करना होता, और बरसात होती तो अम्मा भीग जाने के डर के कारण बाहर जाने से बच्चों को रोक देती। इसके अलावा सर्दी या बरसात होती तो चिड़िया घर की कार्निस पर बैठती ही नहीं, यदि बैठती भी तो अंडे न देती, अगर अंडे देती भी तो इस परिस्थिति में मैं उन अंडों को छूता नहीं, बस बच्चे निकलने का इंतज़ार करता। तो धूप होने की वजह से जो है केशव और श्यामा उन अंडों को छूते हैं, क्योंकि उनको छाया देनी थी और उनके लिए गद्दी का इंतजाम करना था, क्योंकि ज़मीन पर पड़े हुए थे और सूखे घास पे पड़े हुए थे,
तिनकों पे पड़े थे, इसीलिए जो है वो चाहते थे कि उनको गद्दी मिल जाए और उन गद्दी पर अंडों को रख दिया जाए। और रखने के लिए जो है अंडों को छूना ज़रूरी था, बिना छुए बिना अंडों को पकड़े गद्दी पर नहीं रखा जा सकता था, और इसीलिए केशव ने अंडों को छुआ गद्दी पर रखने के लिए। तो जिसका कि फल ये हुआ कि चिड़िया ने अंडों को गिरा दिया, उसे वो सेती तो उसमें से अंडे निकलते, लेकिन छुए हुए अंडों को चिड़िया ने सेया नहीं, उसको गिरा दिया। तो इस तरह से मौसम के आधार पर सर्दी या बरसात होता तो बच्चे क्या क्या करते, उसके लिए क्या इंतजाम करते, ये सभी बच्चे खुद से इसका आंसर लिखेंगे। अब अनुमान और कल्पना का दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होंगी, इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। तो ये बातचीत करना है, तो इस यानी कि ये सोचना है कि अगर उसके अंडे टूट गए, उसने अपने अंडों को गिरा दिया, तो उसके बाद वो दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं आई। तो यहाँ पर इसका कारण एक ये हो सकता है कि बच्चों द्वारा अंडों को छेड़े जाने से चिड़िया परेशान हो गई होगी और उसे लगा होगा कि ये जगह अब उसके लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए चिड़िया वहाँ फिर नहीं दिखाई दी, और चिड़िया ने कोई सुरक्षित ठिकाना देख लिया होगा जहाँ पर कि वो अपना घोंसला बना रही होगी। तो हो सकता है उसने दूसरी जगह अपना घोंसला बना लिया हो। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये कारण हो सकता है चिड़िया के वहाँ पर दोबारा न आने का। और अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे, यानी कि उनके अंदर बहुत सारे प्रश्न थे, जानने की इच्छा थी। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे, और अगर किसी ऐसी चीज़ को देखकर कोई नई चीज़ हो या कोई ऐसी बात हो तो जिसको सुनकर या देखकर मन में बहुत सारे प्रश्न उठे हों, तो तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे ये बताना है। तो अब इसमें जो बचपन में बच्चे जो है सबसे ज़्यादा जिनको उत्सुकता होती है, जब कोई बालक किसी नई वस्तु को देखता है तो उसके मन में स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा और उससे संबंधित अनेक प्रश्न उठते हैं। ऐसे ही कुछ जो है सभी बच्चों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है, जैसे कि कोई खिलौना आता है, कोई चाबी वाला खिलौना हुआ, चाहे रोबोट हुआ, चाहे कोई बैटरी से चलने वाली कार हुई, तो वो जब मिलता है बच्चों को तो वो तुरंत उसे खोल कर चलाने की कोशिश करते हैं। उनको तुरंत ये जानना होता है कि इसे कैसे चलाया जाएगा, इसे कैसे जो है चलाना है, इसमें बैटरी कहाँ डालेंगे, कैसे ऑन करना है, किसे कैसे ऑफ़ करना है। और ये सोच के, और जब भी कोई नई वस्तु मिलती है, अगर वो किसी डिब्बे के अंदर है या पैक है, तो वो तुरंत उनके मन में प्रश्न उठता है कि इसके अंदर क्या हो सकता है, खिलौना हो सकता है या कुछ और जो है सामान हो सकता है। तो ये उनके मन में जो है हमेशा प्रश्न उठता है। तो जैसे कि अधिकतर बच्चों को अपने जन्मदिन पर मिले उपहार को, गिफ्ट को देखने के लिए बहुत उत्सुकता होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अनुमान और कल्पना के सभी प्रश्न जो है वो स्वयं से छात्र करेंगे। और भाषा की बात में यहाँ पे दिया है कि श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। तो यहाँ पर उन्होंने, उनकी, आकर, उसने, और मैं, और आप, मुझे, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। अब दूसरा प्रश्न जो यहाँ पे दिया है कि तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी और बड़ा अंडा, ये सब जो है यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं।
इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। आप चार गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ, जैसे ईमानदार, नीला, मोटी, मीठा, तो इनसे वाक्य बनाना है। और अब जो है प्रश्न कि यहाँ पर केशव ने झुंझला कर कहा, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, केशव घबरा कर उठा, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो, ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे क्रिया हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन पांच क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो इसमें हो सकता है जैसे झुंझला कर और बना कर, घबरा कर, टिका कर, गिड़गिड़ा कर, तो इस तरह से यहाँ पे जो है शब्द हैं और इनसे वाक्य बनाना है। तो वाक्य बनाने का कार्य छात्र खुद करेंगे। और यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया है जिसमें पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे जहाँ भी प्रश्न पूछा जाता है वहाँ प्रश्नवाचक लगाते हैं, जहाँ वाक्य पूरा हो रहा है वहाँ पे पूर्ण विराम लगाते हैं, और जहाँ पर वाक्यों को जोड़ा जा रहा है या दो वाक्य कहे जा रहे हैं वहाँ पे कभी कभी अल्प विराम और का चिन्ह लगाया जाता है यहाँ पे। तो इस तरह से, और जो बात कही जाती है उसके लिए जो है अल्प विराम और इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस पाठ के अधिकतर प्रश्नों को किया है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।